सनसनी ऑफ इंडिया। अमर कॉलोनी गारमेंट्स मार्केट की एक दुकान पर काम करने वाले एक लड़के जीशान उर्फ मंत्री ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रैकी करके फुल प्रूफ प्लान बनाकर कलेक्शन एजेंट से ऐसी जगह पर 38 लाख रुपए लुटे जहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन दक्षिण पूर्व जिले की पुलिस टीम ने क्राइम सीन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट से पहले लगे 450 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व 10,000 मोबाइल डंप डाटा खंगाल कर आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 19 वर्षीय अबू बकर, 23 वर्षीय जीशान उर्फ मंत्री और 26 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है। तीनों श्रीनिवासपुरी दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपितों के एक अन्य साथी हर्ष की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21,72,000 नकद, एक इको वैन और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। दिनांक 15 जुलाई को शाम करीब 5:45 के आसपास थाना लाजपत नगर में लाला लाजपत राय मार्ग स्थित डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पर लूट की पीसीआर कॉल आई। कॉल मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके पर मिले अनीत कुमार यादव व छतर सिंह ने बताया कि वो के प्रकाश एंड कंपनी कूचा ब्रिजनाथ चांदनी चैक में काम करते हैं। वारदात वाले दिन वो लाजपत नगर 4 में स्थित गारमेंट्स मार्केट से व्यापारियों से पैसे लेने आए थे। वो 38 लाख रुपए लेने के बाद ऑटो से वापस चांदनी चौक जा रहे थे। जब ऑटो से डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पर पहुंचे तो तभी 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश वहां आए और उन्होंने नोटों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। दोनों ने इसका विरोध किया। बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक दिया और नोटों का बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ितों के बयान पर थाना लाजपत नगर में FIR संख्या 434/22 धारा 392/34 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात को जल्द से जल्द सुलझाने व आरोपियों को दबोचने के लिए दक्षिण पूर्व जिले की DCP ईशा पांड्या ने अपनी देखरेख में 2 टीमों का गठन किया। एक टीम मनोज सिन्हा ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व स्पेशल स्टाफ इंचार्ज इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह, AATS प्रभारी इंस्पेक्टर RS डागर, नारकोटिक्स इंचार्ज इंस्पेक्टर राकेश शर्मा, इंस्पेक्टर ब्रह्मदत्त, इंस्पेक्टर दिनेश के नेतृत्व में SI अमित ग्रेवाल, आकाश, ASI श्यामवीर, हेड कांस्टेबल अमित मनीष और कांस्टेबल राकेश की बनाई। दूसरी टीम में जय नारायण भरद्वाज ACP लाजपत नगर की सुपरविजन व इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश SHO लाजपत नगर के नेतृत्व में SI प्रदीप, हेड कांस्टेबल धर्मपाल भारत राजपाल की गठित की। टीम ने सबसे पहले पीड़ित अनीत कुमार यादव व छतर सिंह की कंपनी के प्रकाश एंड कंपनी कूचा ब्रिजनाथ के मालिक ब्रिजनाथ से उनके स्टाफ के बारे में पूछताछ की तो स्टाफ पर कोई संदेह वाली बात नहीं मिली। दोनों टीमों ने एक रणनीति तैयार करके रेडीमेड गारमेंट मार्केट अमर कॉलोनी की हर गली, दुकान, कॉर्नर्स व मल्टीपल टर्न्स पर लगे वारदात वाले दिन व वारदात से कुछ दिन पहले के CCTV फुटेज खंगाले तो 4 सस्पेक्ट लड़के दिखाई दिए जो कि पीड़ित के आगे पीछे रैकी करते नजर आ रहे थे, लेकिन मास्क पहने होने की वजह से संदिग्धों की पहचान नहीं हो पा रही थी। टीम ने पीड़ितों के बयान पर रेडीमेड गारमेंट मार्केट अमर कॉलोनी से रिंग रोड व लाला लाजपत राय मार्ग स्थित डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर तक का रूट तैयार किया। वारदात वाले दिन के CCTV फुटेज चेक करने पर टीम को पता चला कि पीड़ित रेडीमेड गारमेंट मार्केट अमर कॉलोनी से पैसा कलेक्ट करके चांदनी चौक जिस ऑटो से वापस जा रहे थे 2 बाइकों पर 4 संदिग्ध उस ऑटो का पीछा करते नजर आए। टीम को CCTV फुटेज से बाइक का नंबर मिल गया। जांच टीमों को लगा अब तो मामला सुलझ ही गया, लेकिन जांच करने पर पता लगा कि मोटरसाइकिल वारदात से एक दिन पहले लाजपत नगर इलाके से चोरी हो गई थी। छोनों टीमें फिर से जीरो पर आकर खड़ी हो गई। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था जांच टीमों पर अफसरों का दबाव बढ़ता जा रहा था। जांच टीमों ने हिम्मत नहीं हारी और जिस जगह से आरोपियों ने मोटरसाइकिल चोरी की थी उस जगह और क्राइम रूट तक के करीब 10,000 मोबाइलों के डंप डाटा को खंगाला तो बड़ी सफलता हाथ लग गई। मोटरसाइकिल चोरी होने वाले दिन के मोबाइल डंप डाटा व अगले दिन वारदात वाले समय पर क्राइम रूट के मोबाइल डंप डाटा में एक सेम नंबर मिला। DCP ईशा पांडे को समझते देर नहीं लगी कि दोनों क्राइम के समय पर एक ही मोबाइल नंबर का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न इस नंबर को टटोला जाए। टीम ने वारदात से कुछ दिन पहले का भी मोबाइल डंप डाटा खंगाला तो सस्पेक्ट नंबर अमर कॉलोनी कपड़ा मार्केट में पीड़ितों के आसपास एक्टिव मिला। DCP ईशा पांडे को समझते देर नहीं लगी कि सस्पेक्ट नंबर आरोपियों में से ही किसी का है। सस्पेक्ट नंबर का मालिकाना हक श्रीनिवासपुरी निवासी हर्ष के नाम से मिला। DCP ईशा पांडे का शक सही निकला। जांच में पता चला हर्ष एक इको ड्राइवर है और इसकी वैन का इस्तेमाल लुटेरों ने लूट के बाद खुर्जा UP में भागने के लिए किया था। हर्ष की मोबाइल लोकेशन लाल कुआं गाजियाबाद की आ रही थी।
हर्ष की मोबाइल कॉल हिस्ट्री, मौके का मोबाइल डंप डेटा और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दो और आरोपियों अबू बकर और जीशान उर्फ मंत्री के भी मोबाइल नंबर मिल गए। टीम ने सस्पेक्ट नंबरों को जीरो पॉइंट करके सर्विलांस पर लगा दिया। दोनों आरोपियों की लोकेशन खानपुर बुलंदशहर की आ रही थी। टीम ने खानपुर बुलंदशहर जाकर आरोपियों की पिन पॉइंट लोकेशन पर छापेमारी की, लेकिन आरोपियों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। पुलिस टीम को मौके पर कोई नहीं मिला। खानपुर बुलंदशहर से टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। आरोपियों की पहचान हो चुकी थी किंतु पकड़ से बाहर थे। डीसीपी ईशा पांडे ने टीम को डायरेक्शन दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक उनके घर के आसपास व परिवार के सभी सदस्यों पर छुपकर नजर रखी जाए, लेकिन उन्हें इस बात का शक न हो कि उनकी पहचान हो गई है। परिवार से पूछताछ करने पर हो सकता है आरोपी घर वापस ही न आए, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टीम ने आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाकर रखे हुए थे। 20 जुलाई 2022 की देर रात आरोपियों में से एक का मोबाइल ऑन हुआ। उसकी लोकेशन श्रीनिवास इलाके से आ रही थी। आखिरकार टीम ने मोबाइल लोकेशन पर छापेमारी कर श्रीनिवासपुरी से अबू बकर व जीशान उर्फ मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी टीम ने आसिफ को पानीपत हरियाणा से एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। वो महिला दोस्त के साथ था और मनाली घूमने जा रहा था। पुलिस हर्ष की तलाश कर रही है। लगातार पूछताछ करने पर आरोपी जीशान ने खुलासा किया कि वो अमर कॉलोनी बाजार में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और वो अमर कॉलोनी बाजार से पेमेंट कलेक्ट करके चांदनी चेक ले जाने वाली बात से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने रमजान के दौरान नौकरी छोड़ दी और अबू बकर और अन्य साथियों के साथ लूट की साजिश रची। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके की रैकी की। आरोपी लूट की वारदात को अंजाम ऐसी जगह पर देना चाहते थे जहां सीसीटीवी कैमरे न हो और भागने में आसानी रहे। आरोपियों ने कलेक्शन एजेंट का पीछा करके रूट तैयार किया। वारदात के लिए आरोपियों ने डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर की जगह को चुना, क्योंकि एक तो फ्लाईओवर के ऊपर कैमरे नहीं थे, दूसरा आरोपियों को लग रहा था कि वारदात को अंजाम देने के बाद फ्लाईओवर से आसानी से भाग सकते हैं। वारदात वाले दिन जब कलेक्शन एजेंट ने अमर कॉलोनी बाजार से नकदी जमा कर ली तो आरोपियों ने पीड़ितों का पीछा करना शुरू कर दिया। पीड़ितों ने चांदनी चौक जाने के लिए अमर कॉलोनी कपड़ा मार्केट से ऑटो किया। आरोपी दो बाइकों पर ऑटो के पीछे पीछे चलने लगे। पीड़ितों का ऑटो जब डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पर चढ़ा तो योजनानुसार आरोपियों ने ऑटो के दोनों तरफ बाइक लगा दी और पीड़ितों की आंख में मिर्च पाउडर डालकर पैसे का बैग लूटकर भाग गए। वारदात के बाद सभी आरोपियों ने लूट के पैसों को आपस में बांट लिया। लूट के बाद दोनों आरोपी जीशान के मायके बुलंदशहर भाग गए थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 21,72,000 नकद, एक इको वैन और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पहला आरोपी प्राइवेट कॉलोनी श्रीनिवासपुरी दिल्ली निवासी 19 वर्षीय अबू बकर पुत्र मेहरबन 10वीं तक पढ़ा हुआ है। यह स्क्रैप डीलर के रूप में काम करता था। इसकी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। दूसरा आरोपी गांधी कैंप श्रीनिवासपुरी दिल्ली निवासी 23 वर्षीय जीशान उर्फ मंत्री पुत्र मोहम्मद इस्लाम ने 8वीं तक पढ़ाई की है। यह अमर कॉलोनी बाजार में गारमेंट की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। इसकी भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। तीसरा आरोपी प्रथम शिविर श्रीनिवासपुरी दिल्ली निवासी 26 वर्षीय आसिफ पुत्र अफसर अली ने 6वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। यह ब्लिकेट कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। इसकी भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश।
हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।